हाई दिस मॉनिका वेद लाइव ऑन दूट्यूब चैनल्थ विद अदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल एज लास्ट सेशन ऑफ द चैप्टर आल डीट की एसिड सो आई होप आई एम विजिबल एंड ऑडिबल एंड जल्दी से क्या करेंगे सेशन को शेयर कर देंगे इम्पॉर्टेंट सेशन है थोड़ा लंबा हो सकता है बिकॉज टूडे वी हैव टू वाइंड अप विद दिस चैप्टर एंड आई ऑल्सो नीड टू टेल यू अबाउट फ्यू इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो कि हम इस वीक करने वाले हैं तो ये हाय राखी हेलो राजदीप हाय एवरीवन जल्दी से सेशन को शेयर कर दो मैं आगे प्रोसीड करती हूँ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स आज हम करने करबोक्सल और उसको वाइंड अप करके चैप्टर को हम खत्म कर देंगे सो डियर लर्नर्स आई एम मोनिका बेदी आई आएम केमिस्ट्री एडुकेट ऑन दिस चैनल आई एम अमंग द टॉप दिसनल बट सो प्लीज एनश्योर दैट यू आर ऑलरेडी इन टू दिस टेलीग्राम ग्रुप बिकॉज बींग एडेड ऑन दिस टेलीग्राम ग्रुप आपका टाइम नहीं बिल्कुल वेस्ट होने वाला और आपको सारे के सारे जो नोटिफिकेशन है या जो भी आपके सेशन लिंक्स हैं वो बहुत जल्दी आप तक पहुंच जाएंगे सिंगल क्लिक पर आप ज्वाइन कर सकते हैं ठीक है ये दिस इज ओनली जरिया जिससे

थर्सडे को नौ बजे वापस अपनी क्लास होगी फ्राइडे को जी तो व्हाट आई डिसाइडेड फॉर यू गाइज इज कि जेई पे भी हम एक वीक में एक चैप्टर खत्म करेंगे और यहां पे हम कोशिश करेंगे तीन क्लासेस में कम मतलब तीन क्लासेस में यस yes, एक चैप्टर को खत्म करने की तो इस हिसाब से विद इन अ वीक हमारा जो स्पीड uh, हो जाएगा जो रेट हो जाएगा वो दो चैप्टर खत्म कर पाएंगे हम एक वीक में इस हिसाब से मैंने प्लान किया है कि आपको फेब्री मंथ में मैं एक बार कोर्स पूरा करा दू बु गो, ठीक है यहाँ पे भी आपकी क्लासेस होंगी वहां भी होंगी टर्म टू की ही तैयारी है थोड़ा जेई लेवल हम यहाँ भी लेंगे वहां भी लेंगे उसका रीजन है कि टर्म टू का पेपर थोड़ा सा टफ आने की संभावना लग रही है तो हम भाई कोई भी वार हो हथियार लेके ही उतरेंगे चुकेंगे नहीं किसी भी चीज से तो बच्चों हमें अपने आप को बेस्ट प्रिपेयर करना है घबराना किसी से है नहीं और स्पीड अच्छी करने के लिए मैंने आपकी नंबर ऑफ क्लासेस इं, इं, इंक्रीज कर दी है वीक में आप देखें तो आपकी चार क्लासेस टोटल चार भी क्यों आपकी टोटल पांच क्लासेस आ रही है जस्ट हैव अ लुक ये देखिए मंडे को आपकी क्लास है अन अकेडमी इलेवेंथ एंड ट्वेल्थ चैनल पे इसके सीक्वेंस की अगली क्लास आपकी थर्सडे को लगेगी अन अकेडमी इलेवंथ एंड ट्वेल्थ चैनल पे ठीक है उसके अलावा जेई चैनल पे सेवन थर्टी टू नाइन आपकी क्लास है कब कब ट्यूसडे एंड फ्राइडे ये दो क्लास आपकी जेई चैनल पे तो एक बार चैप्टर यहां होगा एक दूसरा चैप्टर यहां होगा और इधर ये रही स्पेशल क्लास स्पेशल क्लास आपकी कब हो सकती है दस बजे होती है वेंसडे को ठीक है तो इस तरीके से आपको पांच क्लासेस का पैकेट मैं वीकली प्रोवाइड करूंगी एंड क्लास एक घंटे से ज्यादा लंबी भी हो सकती है क्योंकि फेब्रवरी में हमको अब स्पीड पकड़नी है ठीक है तो मूविंग अहेड आस्क आज फीचर वी हैव ऑन द लर्निंग भी app, जिसका आप बेहतरीन यूज कर सकते हैं ये बहुत अमेजिंग फीचर है इसमें आपको कोई हेजिटेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है आपको जब मर्जी और जितने मर्जी डाउट्स आप पूछ सकते हैं तरीका अकेडमी लर्निंग अप है गोल सेलेक्टेड है आस्क का राउट पे क्लिक करो अपने डाउट को अपलोड करो क्रॉप करो एक्सपर्ट आपसे चैट करेंगे आपको सोल्यूशन मिलेगा कोड मांगे तो कोड का तो आपको मालूम ही है कौन सा मास्टर ब्लास्ट कोड एम बी लाइफ अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन फीचर्स की मैं बात कर लेती हूँ आपसे अन अकेडमी प्लस प्लेटफॉर्म इज द मोस्ट एडवांस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म बच्चों इस पर इतने खूबसूरत टूल्स हैं जिसके थ्रू हम बच्चों को ट्रेन करते हैं मैं खुद ऑफलाइन टीचर रही हूं फॉर द लास्ट सो मेनी ईयर्स बट वॉट आई हैव बिन मिसिंग आई हैड मिसिंग फॉर द लास्ट सो मेनी ईयर्स वो चीज मुझे यहाँ पे अब कंप्लीट लगती है जब मैं बच्चों को पढ़ाती थी तो उस समय बच्चे बोलते थे कि यस मैम समझ में आ गया बट मेरे पास ऐसा कोई टूल नहीं था कि मैं एक एक बच्चे की परफॉर्मेंस ट्रैक कर सकूं आप समझ बात को एक एक स्टूडेंट की मैं परफॉर्मेंस ट्रैक कर सकूं ऐसा टूल ऑफलाइन में नहीं होता आप सौ बच्चे पढ़ा रहे हो पचास पढ़ा रहे हो पच्चीस पढ़ा रहे हो की समझ में आ गया बच्चे कहते हैं हाँ, मैम समझ में आ गया दूसरी डिसएडवांटेज जब मैं बच्चों से पूछती कि डाउट पूछ लो तो बच्चे हेजिटेट करते थे डाउट पूछने में और उनको लगता था कि कहीं डांट नहीं पड़ जाए तो एक आज जो थोड़े बहुत एक्सट्रोवर्ट होते हैं वो डाउट पूछ भी लेते हैं बट ज्यादातर बच्चे डाउट पूछने में घबराते हैं इन सभी कमियों को पूरा किया है अन प्लस प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म ने जहां पे आप से जब मैं आपको सपोज मैं मैं से मेरा मतलब है मी एज एन एडुकेटर कोई और एडुकेटर भी हो सकता है मैं जनरली बात कर रही हूँ तो कोई भी एडुकेटर आपको कुछ पढ़ाएगा तो पढ़ाने के तुरंत बाद ये चेक करने के लिए कि आपको कितना समझ में आया और आपका क्या स्कोर हो सकता है आपके सामने एमसीक्यू रखेगा कि चार ऑप्शंस में से एक टिक लगाओ अगर आपको समझ में आ गया है तो अगर आप सही जवाब देते हैं और स्पीड से देते हैं तो यू विल बी ऑन द लीडर बोर्ड यू यू विल हैव हाँ, लीड अ वेरी गुड रैंक लेकिन अगर सपोज करिए कि आपके सामने रखे हुए का आप सही से आंसर नहीं कर पा रहे हैं तो मेरे पास तुरंत ही आ जाता है कि कौन से बच्चे सही कर रहे हैं कितने परसेंट बच्चे सही कर रहे हैं मुझे सबने बोल दिया समझ में आ गया बट अगर थर्टी परसेंट बच्चों ने सही आंसर दिया मतलब आई नीड टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्टोर तो ये सारे ऐसे टूल्स हैं ऐसी है, ना केवल मुझे अपने टीचिंग मेथ्रूवमेंट दिखाई देता है बल्कि एक को भी में मजा आता है जिसका प्रूफ है बहुत सारे स्टूडेंट का फीडबैक जो हमें यह कहते हैं कि मैम हमने तो अन अकाडमी का सब्सक्रिप्शन इसलिए लिया था कि ठीक है आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाते हो तो हम ऑफलाइन में एक बैकअप भी हो जाएगा कि पढ़ेंगे तो वहां और जो कुछ ऐसा चीज होगी कि रिविजन करनी है या कोई चापे वहां नहीं समझ में आ रहा तो हम यहां पढ़ लेंगे ऐसे ढेरों

मूविंग अहेड रेज अंड फीचर इज ऑल्सो देर जहां पर बात करते हैं तो आपको बहुत ही पर्सनलाइज और हाईली इंटरेक्टिव लाइव क्लास एक्सपीरियंस होता है एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है ऐसा लगता है मतलब कि वा फैक्टर आ जाता है कि यार हम तो अपने टीचर से बात करते हैं तो फिर वॉट इज द डिफरेंस हम ऑफलाइन जाते हैं या ऑनलाइन आते हैं यहाँ हमारा स्कोर बन रहा है गेम खेल रहे हैं डीपीपीज मिल रही है डाउट डिस्कस हो रहे हैं कहाँ कमी है कहीं कोई कमी नहीं है और दूसरा रेज एंड ऑप्शन से जब आप बात कर लेते हैं टीचर से तो आपका ब्रेन का डेवलपमेंट उस कॉन्फिडेंस के साथ इतना बढ़िया होता है कि हाँ अब मजा आ गया ठीक है तो आगे बढ़ती हूं मैं कॉम्बैट भी है हमारे यहाँ आदमी जो है वो एवरी संडे कॉम्बैट कंडक्ट करवाते हैं जो कि एक बजे होता है और आपको स्कॉलरशिप पूल यहां पे है वन करोड़ का तो, तो दिस इज द ओनली मेथड थ्रू विच आप लोग फ्री सब्सक्रिप्शन से ले सकते हैं क्योंकि जीतने पर टेन आने पे 75 मिल जाता है। और टॉप वन फिफ्टी रैंक तक आपको बहुत ही बढ़िया डिस्काउंट ऑफर होते हैं स्कॉलरशिप ऑफर होती है ठीक है मूविंग अहेड टेस्ट चल रहे हैं जरूर दीजिए मिस नहीं करिएगा ट्वेंटी जनवरी वाला टेस्ट ऑल इंडिया लेवल पे बहुत ही जबरदस्त

ये कुछ बैचेस हैं जो स्टार्ट हो चुके हैं प्लस पे आप डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हैं मेरा एल डी हाइड की का बैच चल रहा है अभी मतलब जो कोर्स चल रहा है उसमें एलडी हाइड कीटोन्स ही चल रहा है एनसीआर डिस्कशन विल बी माय लास्ट क्लास जो कि बची है नेक्स्ट कोर्स में लॉन्च करने वाली हूँ बहुत जल्दी तो अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं मेरे जैसे दूसरे एजुकेटर्स के साथ आप जुड़ करके अपने टर्म टू को बेहतरीन बनाना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली आइए और हमारे साथ जुड़िए प्लस के प्लेटफॉर्म पे रिपब्लिक डे स्पेशल ऑफर भी आ गया है आज रात को कितने बजे बारह बजे से लाइव हो जाएगा आप देखिएगा कि क्या ऑफर है अमेजिंग ऑफर है आज रात को बारह बजे से रिपब्लिक डे की वजह से अन अका की तरफ से एक जबरदस्त ऑफर है जरूर सब्सक्रिप्शन लीजिए और आप तो जरूर हमें मौका दीजिए कि हम आपके करियर जर्नी में एक इंपॉर्टेंट रोल निभा सकें ठीक है कैन यूज use कोड मास्टर ब्लास्टर कोड एम बी लाइव मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट के लिए और अभी मुझे लगता है वैसे थ्री और सिक्स मंथ्स का सब्सक्रिप्शन ट्वेल्थ क्लास के बच्चे के लिए आइडियल है एंड आइकॉनिक अगर, अगर आप लेते हैं तो भी आपको एम Live लाइव कोड से मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिल जाएगा सपोज करिए आप थ्री मंथ्स का लेते हैं अभी तर, टर्म टू के लिए सपोज थ्री मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो एम लाइव कोड लगाते ही ऑलरेडी जो ऑल सब्जेक्ट के चार्जेस आपके सेवन थाउजेंड ये रिड्यूस हो जाएंगे सिक्स में ठीक है अब आप सोचो कि छह हजार सात सौ पचास रुपए में आपको क्या मिल रहा है आपको सारे सब्जेक्ट का बेहतरीन कोचिंग मिल रहा है नोट्स मिल रहे हैं स्टडी मटेरियल मिल रहा है डीपीपी मिल रही है डीपीपी डिस्कस हो रही है एनसीआर पूरी डिस्कस हो रही है और पूरी पढ़ाई भी जा रही है तो आई थिंक इट्स अमेजिंग एंड क्वाइट वेरी नॉमिनल यू शुड गो फॉर इट जे नीट का अगर आप सब्सक्रिप्शन ले तो मैं भी आपको बता दूं मैं जे गोल में हूँ प्लस में पढ़ा रही हूं अगर आप मुझसे पढ़ना चाहे और मेरे जैसे बहुत सारे

चलो तो स्टार्ट करें आज का सेशन और सेशन स्टार्ट होने से पहले लाइक्स बढ़ा दो थैंक्स फॉर कमिंग बैक मैं तो बेटा रेगुलर ही क्लासेस लेती हूं मैं कहां से आई हूं बेटू बैक हाय अनुष्का श्रीवास्तव हाय आयुष हेलो सत्या हाय हीना चलो जी आज बहुत डिफरेंट डिफरेंट चीजें पढ़ने वाले हैं और चैप्टर खत्म होने वाला है आज ठीक है अच्छे से पढ़िएगा फिजिकल प्रॉपर्टीज फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन हमारी ओवर हो चुकी है तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में तीन चीजें हैं और आपको वो बिल्कुल आसानी से समझ में आएंगी क्योंकि आप ऑर्गेनिक काफी पढ़ भी चुके हैं तो आपको ये चीजें ऑलरेडी बताऊंगे तो लेट स्टार्ट द सेशन विद फिजिकल स्टेट ओरल टेस्ट कंडक्ट करूंगी चैट बॉक्स में आप मुझे आंसर देंगे मैं आपसे कुछ पूछूंगी आप आंसर करेंगे बड़े मजे आने वाले हैं ठीक है थीके? अच्छे से सुनिएगा सबसे पहले फिजिकल स्टेट फिजिकल स्टेट में हमेशा यही होता है कि वो हाथी चीटी कॉन्सेप्ट नहीं होता कि हल्का फुल्का हो गया था फूक मारने पे उड़ जाएगा मॉलिक्यूल अगर लाइट वेट का होगा तो फूक मारने पे उड़ जाएगा मतलब तो यानी तो मतलब जितना जितना मॉलिक्यूल आप हैवी करते चले जाओगे उतनी उतनी फिजिकल स्टेट किस तरफ चली जाएगी सॉलिडिफिकेशन की तरफ नेक्स्ट हमारा फंडा है सोल्यूबिलिटी सोल्यूबिलिटी घुलनशीलता पानी में कितना घुलता है कितना नहीं घुलता है हाँ एसिड्स पानी में घुलते हैं क्योंकि एसिड्स हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर एसिड्स के एल्काइल चेन को आप लंबा करते हुए जाएंगे तो एल्काइल चेन हाइड्रोफोबिक होती है ये वाटर हेटिंग होती है पानी से नफरत करती है तो एल्काइल चेन जितनी लंबी होगी मतलब जितना लंबा एसिड होगा

तो एल्कोहल के हाइड्रोजन बॉन्ड्स कट तो होते हैं उड़ते तो अकल, अकेले अकेले है ना इनका हाइड्रोजन बॉन्ड तो तो वेपर फेज में भी नहीं टूटता तो सोचो फिर हाइड्रोजन बॉन्ड इनका कितना तगड़ा है तो आप यहां पे इंपॉर्टेंट सीखने वाली बात ये थी कि कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल से भी ज्यादा होता है ठीक है तो इस स्लाइड पे सीखा कि अल्कोहल से भी ज्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है वेपर फेज तक में वो इनका हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं टूटा हुआ होता इस स्लाइड में सीखने वाली बात ये थी कि जितनी लंबी अल्काइल होगी सॉल्युबिलिटी उतनी ही पुअर होगी और इस स्लाइड में तो कुछ सीखने वाला था नहीं तो चलो आगे बढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट करें बच्चों हाय सृष्टि बेटा ट्राई टू कम लाइव से सारे बच्चे अगर रिकॉर्डेड देख लग जाएंगे तो फिर मैम को तो मजे आने बंद हो जाएंगे पढ़ाने के ठीक है चलो चलो चलो, 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 चलो। स्मृति प्लीज टेक केयर स्मृति वाजपेयी प्लीज टेक केयर बेटा टेक गुड रेस्ट एंड हेल्दी फूड यू विल रिकवर चलो हाय ईशा तो एनी वे स्टार्ट करते केमिकल प्रॉपर्टीज मेरी आदत है कि मैं हर चीज को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर देती हूँ जिससे मुझे चीजें ढूंढने में तकलीफ ना हो सिमिलरली मैं यहां पे भी जो रिएक्शंस हैं उनको कुछ ऐसे ऑर्गेनाइज करती हूँ ताकि जब मैं कोई सवाल कर रही हूं तो वो सवाल का रिएक्शन कौन सा है वो मेरे दिमाग में से भी मुझे ढूंढने में तकलीफ ना हो और यही चाहती हूं मैं कि आप भी करें इसलिए आपके सामने ये चार्ट्स बना के लेके आती हूं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स को हमने टोटल डिवाइड किया है कैटेगरी नंबर वन क्लीवेज ऑफ ओ एच बॉन्ड देखिए ये होता है आर सी डब्लू एच आर सी डबल ओ एच अगर इसको और भी ज्यादा हम वैसा बनाएंगे प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाएंगे तो मैं इसको वैसा बना देती हूँ रुको देखो R C डबल O H ठीक है ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है तो पहला कैटेगरी जो मैंने डिजाइन किया है वो है कि जिसमें आप कौन सा बॉन्ड तोड़ेंगे OH बॉन्ड तोड़ेंगे ठीक है दूसरा कैटेगरी है उसमें आप कौन सा बॉन्ड तोड़ेंगे CO बॉन्ड तोड़ेंगे तीसरा कैटेगरी है जिसके अंदर आप क्या करेंगे देखिएगा C W O H बॉन्ड की एंटायर एसिड रिएक्शन है जिसमें C W O H बॉन्ड एज अ होल पार्टिसिपेट करेगा चौथा कैटेगरी है एल्फा हाइड्रोजन की रिएक्शन करेंगे आप मतलब अब की बार आप सीडब्लू एच को देखेंगे भी नहीं आप किसकी रिएक्शन करेंगे एल्फा हाइड्रोजन की और पांचवा कैटेगरी है कि एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स में सी डब्लूएच को बिल्कुल ना देखें और जो भी सब्सटीट्यूशन करना है वो कहां करना है रिंग में आई रिपीट वंस अगेन ये सब हमको आज कंप्लीट करना है ठीक है ये सब हमको आप आज कंप्लीट करना है पहला है हम ओ OH को तोड़ेंगे दूसरा है हम सीओ बॉन्ड को तोड़ेंगे तीसरा है हम सी पार्टिसिपेट करवाएंगे फिर हम एल्फा हाइड्रोजन की तरफ देखेंगे और फिर हम रिंग करवाएंगे तो इन पांच कैटेगरीज में से पहली कैटेगरी मैं शुरू कर रही हूं क्लीवेज ऑफ ओ एच बॉन्ड यानी हम आर सी डबल बॉन्ड ओ एच में क्या तोड़ने वाले हैं बच्चों हम ओ OH एच बॉन्ड तोड़ने वाले हैं कौन सा बॉन्ड तोड़ने वाले ओ एच OH. अब आपको पता है बॉन्ड OH तोड़ोगे तो क्या रिलीज होगा ऑफकोर्स हाइड्रोजन जब आप ओ OH बॉन्ड तोड़ोगे तो आर सी डबल बॉन्ड ओ माइनस और यहाँ क्या रिलीज हो जाएगा एच प्लस रिलीज हो जाएगा ठीक है तो क्या हम इसको एसिडिटी बोले हाँ बिल्कुल हम इसको एसिडिटी बोलेंगे क्योंकि कार्बोक्सिलिक नाम ही क्या है एसिड्स है तो इसका नाम क्या हो जाएगा थैंक यू सो मच राजपूत तो नाम ही क्या हो जाएगा इस रिएक्शन का कैटेगरी हो जाएगा एसिडिटी अब एसिडिटी एक ऐसा है जिसमें आपके में पढ़ो ना तो मैं ये कहूंगी कि जब जब ऑक्सीजन गरीब होगा तो वो हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन को शेयर नहीं कर पाएगा हम शेयर कब करते हैं कोई भी चीज अपन कोई भी चीज शेयर तब करते हैं जब अपने पास भी हो जब अपनी जेब खाली बड़ी हो और तो फिर शेयरिंग का ही बात की फिर तो पहले कहते हैं ना कि एरोप्लेन में भी कभी बैठे हो तो कहते हैं ना कि पहले अपनी सुरक्षा कीजिए बाद में दूसरों की तो जब अपने पास है ही नहीं तो पहले अपना देखेंगे फिर दूसरे का ठीक है तो शेयरिंग

किसका कॉन्जुगेट बेस ज़्यादा स्टेबल है या तो तुम ये देख लो कि कौन सी ऑक्सीजन गरीब है या ये देख लो कि किसका कॉन्सोगेट बेस ज्यादा स्टेबल है अब अगर ये एसिड है तो बेस के साथ रिएक्ट करेगा है ना तो अगर ये सोडियम के साथ रिएक्ट करता है तो सोल्ट बनाता है एनएच है थ्री के साथ रिएक्ट करता है तो सोल्ट तो बनाता है साथ में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है जो कि इसका डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट है थोड़ी देर में मैं चैट बॉक्स में आपसे पूछने वाली हूँ कि एसिड्स का डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट कौन सा होता है आप बोलेंगे रिएक्शन विद इट प्रोड्यूस एफरवे आप चैट बॉक्स में सिंपली लिख देंगे एफरवे विद एन एच सी थ्री इससे आप कार्बोक्सिलिक एसिड्स को डिस्टिंग्विश कर सकते हो बाय द वे एल्कोहल्स और कार्बोक्सिलिक एसिड में से ज्यादा स्ट्रॉग हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑन करता है अरे, चश्मा भूल गई शिट थैंक यू सो मच फॉर रिमाइंडिंग सचिन कॉन्जुकेट बेस की स्टेबिलिटी का पता पल्लवी मैं बताऊंगी बेटा अभी थैंक यू सृष्टि बेटू गॉड ब्लेस यू शाबाश वेरी गुड कार्बोक्सिलिक अच्छा अब आप मेरे को ये बताइए कि प्रोपेनोइक एसिड और इथेनोइ एसिड में से कौन ज्यादा सोल्यूबल है प्रोपेनोइक एसिड और इथेनोइक एसिड में से कौन ज्यादा सोल्यूबल है हाय अमृतांशु गॉड ब्लेस यू प्रोपेनोइक एसिड और इथेनोइक एसिड में से कौन ज्यादा सोल्यूबल है नेहा ने सबसे पहले आंसर किया बिकॉज इथेनॉक की हाइड्रोकार्बन चेन छोटी है ना तो हाइड्रोकार्बन चेन जब छोटी होगी तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी ठीक है तो ये हमको क्लियर है अच्छा इसके बाद मुझे बताइए कि कौन से टेस्ट को कार्बोक्सिलिक एसिड आइडेंटिफाई करने के काम में लिया जाता है डिस्टिंग्विश करने के आइडेंटिफाई करने के कौन से टेस्ट को काम में लिया जाता है थैंक यू सचिन गॉड ब्लेस यू बेटा वेरी गुड uh, अरे नाम मिस हो गया नाम मिस हो गया रुको 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 अभी नाम मिस हो गया है मैं ढूंढ के निकालती हूं आ, यहां तो इथेनोइक इथेनोइक ही चल रहा है लेकिन एक स्टूडेंट ने सबसे पहले आंसर किया था और वो आशा कुशवाहा का फिलहाल मुझे सबसे पहले दिखाई दे रहा है ठीक है सो यस एन एच थ्री जिसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड की एफोवे होती है तो हम समझ जाते हैं कि ये एसिड है ठीक है चलो कौन कौन से सब्सिट्यूट एसिडिटी को पैक करेंगे उसको सीखेंगे हम और इसके जो uh, कौन मतलब क्या कंपैरिजन वाले क्वेश्चंस आते हैं ना वो आपके बोर्ड्स में भी आ सकते हैं और वो आपके नीट में भी आ सकते हैं और टर्म टू में भी आ सकते हैं और आपके जेई uh, में भी आ सकते हैं तो इसको सीखिए जरा कहा देख लीजिए तो दोनों, दोनों आती है तो बहुत अच्छा है सीखते हैं क्या है अप्रोच अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है यानी इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप लगा हुआ है तो वो ऑक्सीजन से जैसे इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ऑक्सीजन तड़पेगा उसके साथ इलेक्ट्रॉन उसके चले गए ना तो ऑक्सीजन तड़पेगा अब वो अपने से कमजोर पे अपना जबरदस्ती चलाएगा तो इससे कमजोर कौन है हाइड्रोजन है हाइड्रोजन को बोलेगा तो मैं तेरे से ले लूंगा और हाइड्रोजन को बिना इलेक्ट्रॉन के फ्री कर देगा इसी को हम क्या बोलते हैं एसिडिटी बोलते हैं तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एसिडिटी को इंक्रीज करते हैं और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डिक्रीज करते हैं अब सेकेंड अप्रोच सेकेंड अप्रोच कि भाई कॉन्जुगेट बेस स्टेबिलिटी क्या बला है तो एक बार समझिएगा कॉन्जुगेट बेस स्टेबिलिटी क्या बला है आर सी डबल ओ एच तब एसिडिक होगा अगर आर सी डबल ओ माइनस यानी कि कॉन्जुगेट बेस ऑफ एसिड स्टेबल है कई बच्चे पूछे कैसे पता लगेगा स्टेबल है मैं समझाती कैसे पता लगेगा अगर यहां पे सपोज करो आप कोई भी ऐसा ग्रुप लगा दे देट से नाइट्रो ग्रुप लगा दिया टू लगा दिया फ्लोरो लगा दिया वॉट विल फ्लोरो विल ट्राई टू एट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन पेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू वर्ड इट सेल्फ बींग इलेक्ट्रो नेगेटिव ठीक है इधर भी लगाएंगे फिर तो फ्लोरो CH2, F, यहां भी हमने फ्लोरो लगा दिया। अब एक बात बताओ, मुझे, तो चार्ज होता है ना? के के ही तो करोगे पॉजिटिव को चार्ज देके करोगे नेगेटिव को चार्ज तो हम बहुत बेसिक्स जानते हैं इलेवन से कि भाई नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने का तरीका है चार्ज खींच लो जिसकी थाली में खाना जा, बहुत ज्यादा पड़ा हो और उसको वो खाना नहीं अच्छा लग रहा हो तो उसको खुशी कब होगी जब आप आएंगे और बोलेंगे कि भाई क्या हुआ ला मेरे को दे है तो ये इतना नहीं खाना है ठीक है तो नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने का तरीका है कि आप उससे इलेक्ट्रॉन ले लो तो कॉन्जुगेट बेस को स्टेबलाइज करते हैं इलेक्ट्रॉन क्लियर टू एवरी कि कॉन्जुगेट बेस क्योंकि नेगेटिवली चार्ज होता है बेटा मैंने इलेवंथ क्लास को जब ये टॉपिक पढ़ाया था तो मैंने एक एग्जाम्पल देकर पढ़ाया था जो मैं तुमको भी देना चाहती हूं मुझे नहीं पता कितने बच्चों ने इलेवंथ अच्छे से पढ़ी है कि नहीं पढ़ी मैंने कहा था हर चीज बांटनी चाहिए खुशियां भी बांटने से बढ़ती है और अगर आप गम भी बांटोगे ना तो वो भी आपके रिड्यूस होंगे तो दोस्तों में फैमिली में हर चीज आपको क्या करनी चाहिए शेयर करनी चाहिए तो यही एग्जाम्पल के साथ मैंने बच्चों को यह बताया कि अगर चार्ज नेगेटिव है लेट से ऑक्सीजन पे हो या कार्बन पे हो आप चाहते हैं कि यार ये स्टेबल होना चाहिए तो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन रिचनेस को रिप्रेजेंट करता है अब अगर आप रिच है अगर आप अमीर है और जो भी आप अर्न कर रहे हैं वो अपनी फैमिली में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं गिफ्ट ला दे रहे हैं सबके लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं तो आपकी फैमिली की खुशियां आप बढ़ाएंगे अगर आपकी अर्निंग्स अच्छी हैं और आप उन अर्निंग्स से डोनेशन भी करते हैं डोनेशन का भी एक हिस्सा रखते हैं फैमिली का भी एक हिस्सा रखते हैं सबका एक हिस्सा रखते हैं तो आपने क्या कि अपनी खुशियां बांटी अपनी रिचनेस अपनी अमीरी सबके साथ एंजॉय की तो इधर भी ये देखिए ये जो इसकी खुशियां हैं ये बांट रहा है इसलिए ये ज्यादा स्टेबल होगा अब बात करते हैं दुख की यार जैसे खुशियां बटती है वैसे दुख भी तो बटते हैं दुख भी तो बढ़ता है एक तो होता है कि तुमको कोई झटका लगा ठीक है वो झटका तुम अकेले झेल रहे हो किसी से नहीं शेयर कर रहे तो तुम ज्यादा झटके में रहोगे अनस्टेबल रहोगे लेकिन तुमने अपने बेस्ट फ्रेंड को ये बात बता दी या अपने फैमिली को ये बात बता दी जिससे भी तुम परेशान हो लेट से कि कोई नौकरी चली जाती है किसी की किसी की जॉब चली गई अब जिसकी जॉब चली गई वो ये बात अगर शेयर करेगा ना अपनी फैमिली से तो उसकी फैमिली उसको हो सकता है मदद कर दे ठीक है मदद कर दे तो इस तरीके की मदद एक गरीब को यानी कि जिसकी जॉब चली गई हो उसको स्टेबिलिटी तो देगी तो अगर किसी की जॉब चली गई हो तो उसकी मदद करो और अगर कोई अमीर है तो वो अपनी अमीरी को सब में बांटे गरीबों का भी हिस्सा रखे डोनेशन का भी रखे फैमिली के गिफ्ट्स भी रखे तो उससे स्टेबिलिटी इन्हांस होगी अगर किसी की नौकरी चली गई और आपने उससे छीन लिया और कि भाई और दे तो वो डिस्टेबिलाईज होगा आई होप कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी प्रडिक्ट करना अब आपके लिए है कॉन्जुगेट बेस नेगेटिवली चार्ज होता है अमीर होता है ठीक है तो अमीर का पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया जाए तभी वो स्टेबल होगा ठीक है क्लियर तो इसलिए हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स जो हैं वो कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी बढ़ाते हैं इसलिए एसिडिटी बढ़ाते हैं और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स जो हैं वो कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी घटाते हैं और इसलिए एसिडिटी भी घटाते हैं ठीक है ये तो कुछ ऐसा हुआ जिसके पास बहुत सारा खाना है और आप उसकी पूड़ियां और रखे हैं चार उसकी थाली में कि जाते जाते चार पूड़ी और रख दी ये भी खा लेना

सावन रुक जाओ बेटा लास्ट में बताना स्माइल देने को बोला था ना फिर तुम लोग ऐसा दांत पाड़ के पूरा हंसते हो हाँ ओके चलो आगे बढ़ते वन है समझ गए तो बताओ फिर इनमें से ए बी सी ऑर्डर लगाओ एसिडिटिक्ट्रॉग एसिड बता दो कौन है सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है हाय राजदीप कौर थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस यू इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप एसिडिटी को घटाते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर राउंड हो जाए कौन से टेस्ट से एसिड को प्रिडिक करेंगे कौन से टेस्ट से कौन से टेस्ट से किस एजेंट के टेस्ट से एसिडिटी को प्रिडिक करेंगे जल्दी से एक छोटा सा टेस्ट हो जाए वापस वेरी गुड गौरव सिंह इज द फर्स्ट वन टू आंसर एनएच सी थ्री एक और बात आपसे पूछना चाहूंगी कि एल्कोहल्स और कार्बोक्सिलिक एसिड में से हाइड्रोजन बॉन्डिंग कमजोर किसकी होती है एल्कोहल्स और कार्बोक्सिलिक एसिड में से हाइड्रोजन बॉन्डिंग कमजोर किसकी होती है कमजोर किसकी होती है एल्कोहल की हार्श वेरी गुड प्रकाश वेरी गुड अल्कोहल्स की कमजोर होती है दूसरी चीज मैं आपसे यह पूछना चाहूंगी कि एसिडिटी को बढ़ाने वाले कौन से ग्रुप्स होते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एसिडिटी को बढ़ाने वाले कौन से ग्रुप्स होते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग शाबाश आशीगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप स्नेहा जसलीन वेरी गुड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग वेरी गुड अब ये वाला करिए फिर ए बी सी डी इनमें से सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड बताओ कौन है सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड बताओ शाबाश डी वेरी नाइस डी सबसे स्ट्रॉन्गर है क्योंकि उसके पास सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है इन दोनों में से स्ट्रॉन्गर एसिड कौन है ए या बी ए और बी में से स्ट्रॉन्गर एसिड कौन है ओह हां आंसर तो दिया हुआ है यस आंसर दिया हुआ है लेकिन आपको समझ में आ रहा है ना कि क्यों है कईयों को तो दिया हुआ भी नहीं नजर आता है ना तो ये ज्यादा स्ट्रॉगर है डिस्टेंस इफेक्ट की वजह से क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है वो नजदीक है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है वो नजदीक है नजदीक होगा तो इफेक्ट ज्यादा डालेगा दूर होगा तो इफेक्ट कम डालेगा तो यहां पे रीजन क्या है डिस्टेंस इफेक्ट डिस्टेंस इफेक्ट ठीक है आगे प्रोसीड करते हैं एसिड स्ट्रेंथ ऑफ सब्सटीट्यूटेड बेंजोइक एसिड बेन्सिड मालूम है क्या होता है ये होता है बेंजोइक एसिड ठीक है बेंजोइक एसिड अब बेंजोइक एसिड में भी ऐसा माना जाता है कि अगर आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दोगे लाइक क्लोरो लगा दोगे नाइट्रो लगा दोगे तो एसिड स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी लेकिन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दोगे लाइक सी लगा दोगे एन टू लगा दोगे तो एसिड स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगी ठीक है इस हिसाब स्ट्रॉन्गर एसिड कौन है इसे बताओ सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड कौन है मतलब ऑर्डर तो दिया हुआ ही है तो मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ सबसे स्ट्रॉगर एसिड है नाइट्रो वाला क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा विड्रॉ करेगा तो एसिडिटी को बढ़ाएगा तो 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 सबसे पहला ये ये रहा उसके बाद ये ना ना तो इसके इसके पास पास कोई कोई देने वाला है, ना कोई इसके पास लेने वाला है है लेने सेकेंड नंबर पर यह रहा और ये ना ऑक्सीजन का ओवर कॉन्फिडेंस बढ़ा देगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो ऑक्सीजन पाल लेगा हाइड्रोजन को डोनेट नहीं करेगा तो एसिडिटी को ये डिक्रीज कर देगा तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डिक्रीज करते हैं और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिटी को एनहांस करते हैं इधर अगर हम देखें तो सबसे स्ट्रांगर कौन हो जाएंगे बेसिक Basically, इसको आप होमवर्क में कीजिएगा ये एक जैसा सा क्वेश्चन है अब मैं आपसे एक चीज पूछने वाली हूं देखते हैं आपको आती है कि नहीं आती है ये है बेंजोइक एसिड और ये है एसिड ठीक है बताओ जरा इन दोनों में से ज्यादा एसिडिक कौन है इन दोनों में से ज्यादा एसिडिक कौन है ए अभी कौन ज्यादा आसे है गलत गलत जवाब इन दोनों में से ज्यादा है ये हैरानी हुई सुन के हैरानी हुई कि मैम आपने अभी भी कहा कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एसिडिटी को एनहांस करेंगे तो फिर ये आप क्या कह रही हैं कि मिथाइल ग्रुप की वजह से एसिडिटी बढ़ रही है ये तो हम नहीं मानते अभी मैं आपसे मनवाऊंगी कि एसिडिटी क्यों बढ़ी बेटा एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम बोलते हैं सर इफेक्ट सर तो मैं बोल रही हूं जो मर्जी बोल दो लेकिन इसका नाम है स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस क्या आपने इसका नाम सुना हुआ है सर इफेक्ट या ऑर्थो इफेक्ट ठीक है ऑर्थो इफेक्ट ऑर्थो इफेक्ट यह कहता है सुनिएगा इसका वीडियो में फ्राइडे को आ, नहीं चीज फिर भी मैं पढ़ा रही हूं आपको बच्चा इसी को ज्यादा स्ट्रॉन्गर बताएगा ठीक है पर जहां जहां जो चीजें आ रही हैं वो मैं आपको समझा रही हूँ सुनिएगा व्हाट इज ऑर्थो इफेक्ट ऑर्थो इफेक्ट ये कहता है कि जैसे मिथाइल ग्रुप है वो बल्की है भारी है भारी है बल्की है तो अगर जब ये Hydrogen release करता है तो जरा इसका कॉन्जुगेट बेस बनाते हैं हम सी डबल सी डबल बॉन्ड ओ ओ माइनस ठीक है सी डबल बॉन्ड ओ ओ माइनस ये हमने इसका कॉन्जुगेट बेस बनाया है देखिएगा ठीक है और ये है अपना C इधर भी हाइड्रोजन फैला देते हैं ठीक है अब देखिए क्या हुआ हुआ ये कि आपने जब इसका कॉन्जुगेट बेस बनाया और इधर भी इतना ये मोटा ताजा मिथाइल ग्रुप लगा पड़ा है तो ये पता है क्या करता है इसको धक्का मारता है बल्कि ग्रुप क्या करते हैं धक्का मारते हैं धक्केलते तो हैं तो जब ये इसको धक्का मारेगा तो स्टेरिक हिंड्रेंस को अवॉइड करने के लिए भीड़ भड़के को अवॉइड करने के लिए इसका जो सी डबलओ ग्रुप है वो ऐसे घूम जाएगा पता है कैसे घूमेगा देख ये बेंजीन रिंग है दिस इज बेंजीन रिंग दिस इज सी डबलओ ग्रुप ये रेजोनेंस में होते हैं क्योंकि ये एक प्लेन में होते हैं जैसे आपने पे कोई भी ग्रुप लगाया ठीक है कोई भी ग्रुप लगाया इवन भी लगाया, उसने किया रिपल्जन करते ही सीडबलो ग्रुप है ये ऐसा घूम जाएगा ऐसा ऐसा ठीक है इस तरीके से घूम जाएगा मैं आपको एक पेपर की मदद से समझाती हूं ये देखो जैसे ये है आपका ये आपकी बेंजीन रिंग है और यह आपका सी डब्लो ग्रुप है अब जैसे ही ऑर्थो पे कुछ लगाया ये यू घूम गया यू घूम गया ठीक है इस तरीके से घूम गया अब जब ये यू घूम गया इस तरीके से घूम गया तो उसमें क्या होगा रेजुनेंस खराब हो जाएगी यानी कि सी डबलओ ग्रुप बेंजीन रिंग के साथ रेजुनेंस में नहीं रहेगा सी डब्लू एच ग्रुप जो है सी डब्लू ग्रुप जो है बेंजीन के साथ रेजुनेंस में नहीं रहेगा और जब ये बेंजीन के साथ रेजोनेंस में नहीं रहेगा तो इसके सिर्फ दो रेजुनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे कौन से दो चलिए वो भी बना लेते हैं सी सी यहाँ पे O- और यहां डबल हो और इधर ये सी एच थ्री यानी कि ऑर्थो पे लगा हुआ इस मिथाइल ग्रुप ने किया क्या इसको धक्का मारा धक्का मारा तो ये घूम गया घूम गया तो इसका रेजोनेंस बेंजीन रिंग के साथ खत्म हो गया खत्म ठीक है यानी कि, इसके दो बनेंगे, जो कि जिनकी होते हैं और उनकी एनर्जी सेम होती है, तो वो स्टेबल होते हैं आई होप एवरी इज अवेयर अबाउट इट कि जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इक्विवेलेंट होते हैं यानी कि उनकी एनर्जी सेम होती है जब अगर सपोज करो यहां मिथाइल नहीं होता ना तो फिर ये रेजोनेंस पूरी रिंग के साथ होता और रिंग में तो कार्बन है तो कभी कार्बन पे चार्ज तो कभी ऑक्सीजन पे चार्ज जेई नीट में

इंक्रीज कर दिया और अगर इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है तो यही तो ज्यादा एसिडिक है इसको हम बोलते हैं ऑर्थो इफेक्ट अगर आपको ये अच्छा पढ़ना है डिटेल में पढ़ना है क्योंकि आपको आना चाहिए अगर आप नीट एस्पिरेंट हैं तो ठीक है और टर्म टू में भी अगर आपसे वो ये पूछेगा तो आपको ये पता होना चाहिए ठीक है तो इसका एक वीडियो में फ्राइडे को रिकॉर्ड करके प्रीमियर करवा दूंगी आप वो जरूर देखिएगा उसमें मैं ऑर्थो इफेक्ट के ढेरों एग्जाम्पल्स में ले लूंगी ठीक है अभी के लिए मैं इतना ही बताऊंगी कि ऑर्थो ग्रुप में लगा हुआ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी एसिडिटी को बढ़ाता है सिर्फ विड्रॉइंग नहीं डोनेटिंग भी एसिडिटी को इंक्रीज करता है चलिए अब आगे बढ़ते हैं व्हाट इज के ये क्या चीज होती है अगर आप एसिड का डिसोसिएशन एक ऑर्थो में लगाने से घूमेगा हाँ हाँ घूमेगा ना या इफेक्ट क्या इसमें बेटा मैं तुम्हारा क्वेश्चन नहीं समझ पा रही एमबी मैम स्टार बस आप इतना समझो कि ऑर्थो पे कोई भी बल्कि ग्रुप है वो स्टेरिक हिंड्रेंस करके CW का बेंजीन के साथ रेजोनेंस खत्म करेगा और यह करने से सीडब्लू की स्टेबिलिटी घटेगी नहीं बढ़ेगी क्योंकि इक्वल रेजोनेटिंग हो जाएंगे। प्राची, मंडे और थर्सडे क्लास होने वाली है इस चैनल पे ठीक है नेक्स्ट वीक से और ट्यूसडे एंड फ्राइडे क्लास होने वाली है चैनल पे, दो दिन में एक चैप्टर खत्म उधर

ये होता है कि जब आप एसिड को पानी के साथ मिलाते हो तो वो कॉन्जुकेट बेस और एच थ्री में कन्वर्ट हो जाता है इक्विलिब्रियम पढ़ी किसी ने क्लास ग्यारहवीं में ये बताओ तुम मुझे पढ़ी है ग्यारह ग्यारह के अंदर नहीं तो रिएक्टेंट तो, तो बस प्रोडक्ट अपन रिएक्टेंट कंसेंट्रेशन से के आ जाएगा अब कोई एसिड अगर स्ट्रॉगर है इफ द एसिड इज स्ट्रॉगर तो ज्यादा एच प्लस रिलीज करे ठीक है ज्यादा एच प्लस रिलीज करेगा तो के ज्यादा होगा वॉट डज इट मीन की इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू ऑफ के एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू ऑफ के क्योंकि अगर एसिडिटी ज्यादा होगी तो एच प्लस ज्यादा होंगे गए एच प्लस ज्यादा होंगे तो के ज्यादा होगा मतलब मोर इज द के मोर इज द एसिडिटी मोर इज द के ए मोर इज द एसिडिटी बट वट इज पीके पीके इज माइनस लॉग ऑफ के सो एसिडिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीके ठीक है एसिडिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी के पीके कम होगा तो एसिडिटी ज्यादा होगी ठीक है चलो मूविंग अहेड इनमें देखो आप यह आपके मीथॉक्सी ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है नॉर्मल बेंजोइक एसिड ये थोड़ा सा इधर गिर गया है तो इसको जोड़ देते हैं एरो इधर टपक गया है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो सबसे ज्यादा एसिडिक बताओ एबीसी में से कौन है एबीसी में से सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है सी इज द मोस्ट एसिडिक क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ना तो इसलिए सबसे ज्यादा एसिडिक है अब ये फटाफट फड़ करते जाओ जल्दी जल्दी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉगर एसिड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग मोनोक्लोरो डाइक्लोरो ट्राइक्लोरो में से अभी ऐसा मान लो कि पांच नंबर का टेस्ट है ठीक है टेस्ट वेटेज फाइव मार्क्स चलो शुरू करो बच्चों इसका आंसर है सबसे ज्यादा एसिडिक है फिर ये ये फिर फिर ये तो आपका ऑर्डर है सी सबसे ज्यादा एसिडिक है फिर बी है उसके बाद ए है ये करो इन दोनों में से कौन एसिडिक ज्यादा है एल्फा क्लोरो प्रोपेनोइक एसिड या एल्फा क्लोरो प्रोपेनोइक एसिड ए या बी ए या बी करिए फटाफट प्राची झा वेरी गुड फ्लोरो क्योंकि फ्लोरो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ज्यादा होता है तो इसका आंसर है बी इज मोर एसिडिक देन ए थर्ड वाला करिए ज्यादा है एसिटिक ज्यादा है या फॉर्मिक ज्यादा है सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है ए बी सी ए बी सी सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है थैंक यू सो मच जी म्यूजिक सेवेंटी सेवन अस नेक्स्ट चैप्टर है सचिन सारे चैप्टर्स करवाऊंगी चिंता क्यों कर रहे हो फॉर्मिक एसिड एसिटिक एसिड में तो अल्काइल ग्रुप होता है ना CH3 और प्रोपियोनिक एसिड में भी अल्काइल ग्रुप होता है C2H, 5, COOH. तो जितने ज्यादा अल्काइल ग्रुप की आप लेंथ लंबी करते जाओगे एसिड उतना ही वीक होता चला जाएगा क्योंकि अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं डोनेट करके ऑक्सीजन का ओवर कॉन्फिडेंस बढ़ा देंगे वो हाइड्रोजन को पाल लेगा रिमूव ही नहीं करेगा एसिडिटी घट जाएगी ठीक तो है तो फॉर्मिक एसिड सबसे ज्यादा यानी सी फिर बी फिर ए ये करिए मेटा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड या पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड में से ज्यादा स्ट्रॉन्गर कौन है ए या या बी बी ए अबी वैभव फोर्थ वाले का बताओ मेटा हाइड्रोक्सी पैरा हाइड्रोक्सी ए या बी अनाबिया कह रही पैरा हाइड्रोक्सी पाची कह रही है हाइड्रोक्सी काफी बच्चे पैरा और मेटा में कंफ्यूज हो रहे हैं आधे बच्चे मेटा बोल रहे हैं आधे बच्चे पैरा बोल रहे हैं बेटा सबसे पहले तो ये देखो ये है बेंजोइक एसिड मेटा हाइड्रोक्सी बोले तो ये ओ एच इधर और पैरा हाइड्रोक्सी बोले तो ओ एच इधर ठीक है मेटा हाइड्रोक्सी पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड अब हाइड्रोक्सी ग्रुप का इफेक्ट क्या होता है हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सी ग्रुप ग्रुप का इफेक्ट क्या होता है इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है डोनेट करने से क्या करेगा एसिडिटी को घटाएगा यानी इसको किस नौकरी पे रखा है अपन ने एसिडिटी घटाने की नौकरी पे रखा हुआ है यानी जब जब होगा तब तब एसिडिटी में कीड़ा करेगा ठीक है तो लेकिन मेटा मेटापोजिशन पे लगा हुआ ओएच ग्रुप कम इफेक्टिव होता है

इधर बहुत बढ़िया डोनेट कर रहा है तो अगर ओ OH एच इलेक्ट्रॉन देगा तो एसिडिटी का जो तो रहता है फैला रहा है एसिडिटी को कमी तो कर रहा है ऑक्सीजन को अमीर कर रहा है ना इलेक्ट्रॉन देके तो यहां बढ़िया तरीके से इसका रायता फैला रहा है इधर नहीं फैला पा रहा तो ये ज्यादा एसिडिक हुआ तो जिन जिन बच्चों ने मेटा हाइड्रोक्सी बोला था दैट इज द करेक्ट आंसर लास्ट वाला और कर दो लास्ट वाला और कर दो बेटा एसिडिक एसिड या बेंजोइक एसिड हाय मनोज अरे वाह सेम नेम मोनिका मोनिका सेम पिंच एसिटिक एसिड से तो बेंजोइक एसिड ज्यादा होता है एसिटिक एसिड से बेंजोइक एसिड ज्यादा होता है, है ना मतलब बेसिकली बेंजोइक और एसिटिक में फर्क ये है कि एसिटिक में थ्री लगा हुआ है

सचिन के पांच आए हैं वही है सच्ची प्राची के छवि के माधव के माधव क्या सकते हैं गुलाम के तीन आए हैं ओके आई लेफ्ट ऑनलाइन जॉइन यू मैम निधि त्रिवेदी गॉड ब्लेस यू एंड विल बी विद यू आई प्रॉमिस यू आई बी विद यू टर्म टू की तैयारी फोड़ के करेंगे मचा देंगे हम लोग सावन के सावन भी अच्छा कर रहा है आजकल दुर्गेश के दुर्गेश बहुत अच्छा कर रहा है साधना फोर ओके okay. साधना बेटा थोड़ा और इंप्रूवमेंट करना है ना और कोई बात नहीं चार भी बहुत अच्छे हैं स्टाइलिश राजपूत चलो बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट कैटेगरी पे आगे अभी हमने ओएच बॉन्ड फोड़ा था ओएच बॉन्ड फोड़ने से हमने वो एसिडिटी वाला फंडा पड़ा गला खराब हो रहा है मैम का नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं सीओ बॉन्ड फोड़ेंगे ठीक है सीओ बॉन्ड फोड़ेंगे तो एनहाइड्रेट बनाएंगे ये बहुत सस्ती रिएक्शन है सस्ती से मेरा मतलब है जल्दी जल्दी हो जाएंगे देखना तो एनहाइड्रेट की फॉर्मेशन कैसे होगी आप दो एसिड्स ले लो और दो एसिड्स में से पानी को गायब कर दो ठीक है तो नाम है एनहाइड्राइड मतलब माइनस वाटर इड्रेट मतलब माइनस वाटर तो आपने वाटर मॉलिक्यूल उड़ाया बन गया अब नाम देने का क्या तरीका है अगर इथेनोइक एसिड का एनहाइड्रेट बना रहे हैं तो इथेनोइक एनहाइड्रेट अगर प्रोपेनोइक एसिड का एनहाइड्रेट बना रहे तो प्रोपेनोइक एनहाइड्रेट अगर मीथेनोइक एसिड का एनाड्रेट बना रहे तो मीथेनोइ एनहाइड्रेट अगर दो एसिड का एनहाइड्रेट बना रहे हैं पानी को रिमूव कर रहे गर्म करके तो जैसे मीथेनोइक भी और इथेनोइक भी है तो एल्फाबेटिकल इथेनोक मीथेनोक एनहाइड्रेट इथेनॉक मीथेइक एनहाइड्रेट नेमिंग ई पहले आता है एम बाद में आता है ऐसे तो ये और डिहाइड्रेटिंग एजेंट का नाम याद कर लो मैं भी चैटबॉक्स से पूछूंगी कि डिहाइड्रेटिंग एजेंट कौन है तो आप आंसर करेंगे पी टू ओ फाइव ठीक है आप आंसर करेंगे पी टू ओ फाइव मूविंग जिन बच्चों ने मुझसे एल्कोहल फिनॉल इथर्स पढ़ी थी बताना किस किसने पढ़ी है उनको याद है कि मैंने बोला था कि अल्कोहल तो होगा ही होगा और एसिड के अंदर आर सी डब्ल्यू एच होता है और मैंने सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक बोली थी कि सीओ के बाद से तोड़ दो ये बोला था सीओ के बाद से तोड़ दो। दोस्टरीफिकेशन अल्कोहल्स में था डू यू रिमेंबर इफ यू रिमेंबर गिव अप वेरी गुड जी। तो बस सीओ के बाद से तोड़ दो तो आप कौन सा बॉन्ड तोड़ रहे हो यहां पे? आपकी कैटेगरी नंबर टू क्या है सीओ क्लीवेज तो एसिड का तो सीओ बॉन्ड ही टूटता है ना तो सीओ बॉन्ड ये ओ OH यहां से जाएगा और एच यहां से जाएगा और बन जाएगा ये रिएक्शन हम ईथर चैप्टर में कर चुके हैं नेक्स्ट है हमारा रिएक्शन विध पीसीबर डू यू रिमेंबर रिमेंबर डू यू दैट थिंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिस दिन स्टार्ट करी थी तो ऐसी कोई रिएक्शन याद है आपको जिस दिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमने स्टार्ट करी थी तो पहली पहली रिएक्शन कौन सी थी ये बताओ आप मुझे पीसीएल थ्री आर सी एच टू Do you remember such reactions R -OH reacts with -C -L to form R एल डू यू रिमेंबर सच to form पी एच टू two एच रिएू रिमेंबर दैट रोज दिन बन नहीं है छवि है ये तुम्हारी एल्लोलगे इनकी पहली पहली रिएक्शन है प्रिपरेशन ऑफ एल्कोलट फ्रॉम एल्कोहल्स. प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल एलाइट फ्रॉम एल्कोहल डू that? तो क्या करते थे उसमें याद करो जरा पुरानी यादों में चलो क्या करते थे ओ एच को हटा देते थे जाता था सी एल अंदर ओ एच बाहर ओ एच बाहर सीएल अंदर ओ एच बाहर सीएल एसओ सी एल टू भी कर तो ओ एच हटाने अभी भूल मत जाना वो सब चीज आएंगे अभी जब कन्वर्जेंस करेंगे ना एल्डिहाइड हाइड वाले चैप्टर के तो कन्वर्जन में ये सारी रिएक्शन आनी चाहिए ये बहुत बड़ी मिथ है कि ऑर्गेनिक के तुमने पिछले चैप्टर पढ़ोगे नहीं क्योंकि वो कोर्स में नहीं है सब याद होना चाहिए ठीक है तो ओ एच जाएगा सीएल आएगा अब यही चीज में सी एच टू की जगह सी डबल बॉन्ड ओ कर दू तो सी एच टू की जगह मैं सी डबल बॉन्ड ओ कर दू तो देखो मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूं आप समझिएगा मैं आपको कह रही हूं देखो अगर यहां पर सीएच टू था तो इधर भी सीएच टू था लेकिन वोट एसओ सी एल टू या पीसीएल थ्री या पीसीएल फाइव क्या करता है ओ OH एच जाता है सीएल आता है ओ OH एच जाता है सीएल आता है बाकी का ग्रुप एज इट इज रह जाता है अरे ये तो बड़ी अच्छी राय हो गई ठीक है एग्जैक्टली exactly, देखो अब इधर भी देखो ओ OH एच जाएगा सीएल आएगा बाकी का ग्रुप जैसा है वैसा रह जाएगा ठीक है तो क्या फर्क पड़ता है इधर इधर है या CO है। अगर सी एच टू था तो एल्कोहल हेलाइट में बदलते थे जाना तय है और हेलोजिन का आना तय है क्या आपको ये पुराने वाली रिएक्शन नहीं लग रही है आ जाएगा बेटा रिजल्ट के ऊपर एनर्जी वेस्ट मत करो टर्म टू के लिए टाइम कम है ठीक है तो देखो ओएच OH जाएगा सीएल आएगा ओएच OH जाएगा सीएल आएगा ओएच OH जाएगा सीएल आएगा पहले ये क्या था पहले जो हमने चैप्टर पढ़ा था उसमें ये आर सी एच2 ओएच था तो इधर क्या बनता था आर सी एच2 सीएल और अब क्या है ये आर सी ओ ओ एच है तो इधर क्या बनेगा आर सी ओ सीएल एसाइल हैलाइड्स इजी चलें अगला रिएक्शन विद अमोनिया पे ओके okay. चलो आगे बढ़ते हैं रिएक्शन विद अमोनिया रिएक्शन विद अमोनिया में देखो एक चीज को चैट बॉक्स में स्पैम करना बहुत इंपॉर्टेंट है एसिड रिएक्ट विद अमोनिया टू फॉर्म अमाइड्स एसिड रिएक्ट्स विद अमोनिया टू फॉर्म अमाइड्स ये तुम सारे बच्चे चैट बॉक्स में स्पैम कर दो मैं तुम्हें इतनी शानदार अभी स्लाइड पे कुछ लिखने वाली हूं तुमको मजे नहीं आ रहे तो बताना इतना अब मजे हो गए पढ़ने में मजे नहीं आते फिर तो देखो मैं कोई यहां पे कोई जोक तो लिखने नहीं वाली पढ़ाई की बात लिखने वाली हूँ पर बहुत कुछ डिफरेंट एसिड रिएक्ट विद अमोनिया टू फॉर्म अमाइड ये स्पैम करो पहले तो तुम वेरी गुड देव प्रिया दत्ता एसिड रिएक्ट विद अमोनिया टू फॉर्म अमाइड शाबाश अब मैं तुम्हें इसकी वैल्यू बताती हूँ इस रिएक्शन की। की एसिड रिएक्ट विद टू फॉर्म वैल्यू डिस्कस कर लेते हैं। बहुत कीगड़ी रिएक्शन है जो अब तक तुमने पढ़ी नहीं है पढ़ोगे अमीन में पढ़ोगे जो वैल्यू करता है ना ऑर्गेनिक और रिएजेंट की होती है इस रिएक्शन को हम बोलते हैं आप रिएक्शन में आप टू यूज करते हो और आपका ये तो जो तुमने KCN को दी होगी ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टेप अप करते वक्त सेम की सेम यानी उससे भी ज्यादा वैल्यू आप किसको को देने वाले हैं हॉफमैन ब्रोमाइड को अब आर को अगर आप डायजोटाइजिंग मीडिया देना एन एन ए टू एच सी एल प्लस एच सी एल तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है एल्कोहल में ठीक है और एल्कोहल को अगर आप ऑक्सीडाइज कर दो तो क्या बन जाएगा एसिड बन जाएगा देखो कन्वर्जन की कितनी जबरदस्त चेन तैयार हुई है एसिड किससे बन सकता है एल्कोहल से आर सी एच टू एच से बन सकता है एल्कोहल किससे बन सकता है हेलाइट से आर सी एच टू सी एल से बन सकता है ठीक है, से, RCH2, CL से बन सकता है उसके अलावा आप एल्कोहल को किससे बदल सकते हो हेलाइट में आर एक्स में बदल सकते हो अब जरा देखो कितनी खतरनाक चीज है इस ये रिएक्शन इसमें बहुत ही की रोल प्ले कर रहा है ठीक है जो हमने अभी अभी पढ़ा कि एसिड्स रिएक्ट विद अमोनिया टू फॉर्म अमाइड तो देखो अगर तुम्हारा जो भी एसिड है क्योंकि यहां पे जो ब्रोमाइड करेंगे हम सीओ को गायब कर देंगे स्टेप डाउन कर देंगे कार्बन कम हो जाएगा तो बड़े एसिड से छोटा एसिड बनाया जा सकता है ये रहा ठीक है अगर तुम प्रोपेनोइक एसिड से इथेनोइक एसिड बनाना है तुम कोई ट्रिक्स में तुम्हें दूंगी कन्वर्जेंस की ठीक है इट इज जस्ट वन ऑफ द ट्रिक फ्रॉम माई खजाना ऑफ कन्वर्जेंस ट्रिक ये मैं तुम्हें कन्वर्जेंस के सेशन में दूंगी जो कि मैं स्पेशल क्लास में कंडक्ट करने वाली हूँ लेकिन अभी समझो एसिड रिएक्ट विद अमोनिया तो आपने प्रोपेनोइक एसिड लिया क्या बना प्रोपेनामाइड प्रोपेनामाइड से इथेनमीन इथेनमीन से इथेनॉल और इथेनॉल से इथेनोइक एसिड तो प्रोपेनोइक एसिड से इथेनोइक एसिड ठीक है सपोज आप कहें कि नहीं एक बड़े हेलाइट से हमें एक छोटे हेलाइट तक पहुंचना है तो लेट्स से अपन अपन ने क्या ले लिया वन क्लोरोब्यूटेन ले लिया फिर अपन क्या बना सकते हैं इसका मतलब तो लगा ही सकते हैं हम इसको तो क्या बन सकता है one butanol बन सकता है फिर one butanol आपने क्या किया butanol acid बनाया फिर acid से क्या प्रोपेन बनाया? बनाया. अमीन बनाया और प्रोपेन अमीन से क्या बनाया प्रोपेनॉल बनाया और प्रोपेनॉल का अपन ने क्या कर दिया रिएजेंट से करके वन क्लोरो प्रोपेन कर दिया तो आपने वन क्लोरो ब्यूटेन से वन प्रोपेन तैयार कर दिया हायर एल्कोहल से लोअर एल्कोहल आ सकते हो हायर क्लोराइड से लोअर क्लोराइड आ सकते हो हायर एसिड से लोअर एसिड आ सकते हो और हायर अमीन से लोअर अमीन भी आ सकते हो आर एन एच टू आर सी एच टू एच टू से आप आर सी एच टू ओ एच आ सकते हो डायटाइजिंग मीडिया के थ्रू जो हमने यहां किया ये ये ठीक है तो अगर आप हायर अमीन से चले हो तो लोअर अमीन हायर एल्कोहल से चले हो तो लोअर एल्कोहल हायर एसिड से चले हो तो लोअर एसिड

अब मतलब बन गया फिर ये अमाइड है ना अमाइड इसको बोलते हैं थैला मतलब ऐसा वाला फूक नहीं मारना है थैलामाइड नहीं बोलते थैलामाइड बोलते हैं ठीक है थेके? और थैलामाइड की स्ट्रॉन्ग हीटिंग तुम करोगे तो अमोनिया एलिमिनेट हो जाएगा माइनस एनएससी हो जाएगा और क्या बन जाएगा थैली माइड ये कंटिन्यू होगा अमीन्स चैप्टर में आधा तो सीक्वेंस कार्बोक्सिलिक एसिड में होता है आधा सीक्वेंस अमीन्स में होता है तो थैली माइड ठीक है थैलामाइड थैली माइड रिएक्शन का नाम है थैला थैली रिएक्शन ठीक है थैला थैली रिएक्शन ऑलराइट तो ये

इलेवेंथ पढ़ी किसने याद है कि नहीं है डी याद तो है इलेवेंथ का तो रायता फैला इलेवेंथ में तो हम मैश मारते हुए आए हां ये लास्ट लेक्चर है सक्सेना थैंक यू दिबा प्रिया दत्ता गॉड ब्लेस यू ओके okay. तो ये क्या है डी करबोक्सिलेशन चलो मैं तो ट्रिक बता देती हूँ ट्वेल्थ क्लास के बच्चे के लिए तो बस ट्वेल्थ क्लास के स्टूडेंट्स को ना ट्रिक आनी चाहिए तो मैं ट्रिक बता रही हूँ कोई भी एसिड ले लो कोई भी एसिड ले लो ठीक है इसमें जब आप एन से रिएक्शन करवाओगे दो बार करवाना पड़ेगा सीएओ की प्रेजेंस में सीएओ की प्रेजेंस में तो आपको एक छोटा सा काम ये करना है सीओ टू उड़ानी होती है डी कारबोक्सी बोलते हैं ना डी डी कारबॉक्सी मतलब सीओ टू माइनस उड़ा दिया क्या बन जाएगा स्मॉलर एल्केन बन जाएगा बता सकते हो ब्यूटेन को कौन से एसिड से बनाओगे ब्यूटेन को कौन से एसिड से बनाओगे बस ट्रिक बता रही हूं मैं ट्रिक याद कर लेना डीशन ब्यूटेन को कौन से एसिड से बनाओगे नाम बोलो नाम

नाम है जो साइंस लेकर के तुम्हारी जिंदगी हो गई है वो इस रिएक्शन का नाम है ठीक है अब ये रिएक्शन इसी वजह से शायद बोर्ड के एग्जामिनर्स को बड़ी पसंद है ना केवल बोर्ड वो नीट के एग्जामिनर्स जेई के एग्जामिनर्स मतलब मेरे को समझ नहीं आता इस रिएक्शन में क्या खास बात है मैं आज तक नहीं समझ पाई बट ये रिएक्शन मोर और अभी तक मेरे एक्सपीरियंस में शायद ही कोई क्वेश्चन पेपर होगा जिसमें ये रिएक्शन नहीं होगी तो इट्स बहुत ज्यादा वैल्यूएबल रिएक्शन लेकिन मुझे लगता है इसीलिए टीचर्स की फेवरेट है सारे टीचर्स ने और साइंस सब्जेक्ट ने मिलकर यही तो किया तुम्हारी लाइफ के साथ है ना है? में बोल दो ठीक को छेड़ना भी मत एक्स और रेड फॉस्फोरस के साथ हमें रिएक्शन करना है जहां एक्स क्या हो सकता है सीएल हो सकता है या फिर बी हो सकता है और हमको अल्फा हाइड्रोजन हटानी है और हेलोजन लगाना है इसको बोलते हैं अल्फा हेलोजिन बीटा मत कर लेना कोई और मत कर लेना सिंपली एल्फा हेलोजिनेशन एल्फा पे हेलोजन लग जाएगा ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है अल्पा हेलोजिनेशन और लास्ट रिएक्शन है रिंग सब्सिट्यूशन जिसमें आप ये मेटर डायरेक्टिंग होते हैं ना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होते हैं तो मेटा डायरेक्टिंग है तो कंसेंट्रेटेड एच एनओ थ्र एच टू एसओ फोर की प्रेजेंस में मेटा पे नाइट्रो ग्रुप आ जाएगा अगर ब्रोमीन लोगे तो मेटा पे ब्रोमो ग्रुप आ जाएगा ठीक है तो ये सारी रिएक्शन हमारी कवर होती है छोटा सा मैं टेस्ट कंडक्ट करूंगी उससे पहले ओरल टेस्ट फिर रिटन टेस्ट ठीक है अब सारे चीजों के बारे में मैं कुछ कुछ तुमसे पूछने वाली हूँ आज जो भी मैंने पढ़ाया है देखेंगे जो सबसे पहले आंसर करेगा उसका नाम शाउट आउट करूंगी मैं बिल्कुल पीछे ले जा रही हूँ स्लाइड्स को जिस पेज पे जो इंपॉर्टेंट होगा वो मैं आपसे पूछूंगी चलिए आप मेरे को ये बताइए कि आ, कौन से ग्रुप से एसिडिटी डिक्रीज हो जाती है कौन से ग्रुप से एसिडिटी डिक्रीज हो जाती है थैंक यू थिंग्स ए लाइव तुम लोग कैसे कैसे नाम से आते हो रहे थैंक यू थिंग लाइव बताओ नाम पता होता तो नाम बताती ना हाई पल्लव इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आयुष अभिनव सिंह सेक्शन भी है फर्स्ट वन टू आंसर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग से एसिडिटी कौन ज्यादा एसिडिक है उसके आप मुझे ये कि और क्यों बेंजोइक एसिड और मिथाइल बेंजोइक एसिड जिसको हम टोलि एसिड भी बोलते हैं इसमें से कौन ज्यादा एसिडिक और क्यों हाय कीर्तन प्राची झा कह रही है ऑर्थो एंड द नेम द रीजन इज द रीजन इज ऑर्थो इफेक्ट किस एस आई आर वेरी गुड सत्या सत्या ने भी लिख दिया है और एक मिनट एक मिनट एक मिनट किस बच्चे ने ऑर्थो इफेक्ट या फिर एस आई आर नाम लिखा है एस आई आर करके किसी किसी बच्चे ने लिखा है स्पेलिंग गलत मत लिखो। हम्म और तो मिथाइल बेंजोइक एसिड इज मोर एसिडिक ड्यू टू तो एसआईआर स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस यानी कि ऑर्थो इफ़ेक्ट। ठीक है अब आप मुझे ये बताइए कि ये सब तो हो ही गया था वॉट इज द रिलेशनशिप ऑफ के ए विद इनवर्स और डायरेक्ट पीके और एसिडिटी का क्या रिलेशन है इनवर्स और डायरेक्ट इनवर्स रिलेशन है कि डायरेक्ट रिलेशन है इनवर्स देवप्रिया दत्ता वेरी गुड इनवर्सली रिलेटेड है जितनी ज्यादा एसिडिटी एसिडिटी होगी उतनी पीके कम होगी जितनी एसिडिटी ज्यादा है पीके वैल्यू उतनी ही कम होगी ठीक है मूविंग हेड अब आप मेरे को यह बताइए कि ये ए है और ये बी है इन दोनों में से ज्यादा एसिडिक कौन है ये और ये इन दोनों में से ए और बी में से ज्यादा एसिडिक कौन है बस आनंद तुम यही करो मतलब मैं एसिडिटी पूछूंगी तुम बेसिसिटी जवाब देना माधव शर्मा कह रहे हैं ए और उसके अलावा भी बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं ए तो यस फ्लोरो की वजह से क्योंकि फ्लोरो ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है इसके बाद आप मेरे को ये बताइए कि अगर मैं लाइक इथेनोइक एसिड और प्रोपेनोइक एसिड में से एनहाइड्रेट फॉर्मेशन करूं तो मेरा पहला सवाल है कि डिहाइड्रेटिंग एजेंट कौन होगा डिहाइड्रेटिंग एजेंट का नाम लिखो थैंक यू धनुश्री दैट मेक्स माई डे बेटा टू हियर दैट थैंक यू सो मच डिहाइड्रेटिंग एजेंट का नाम लिखो शब बाश नाबिया नाबिया ने सबसे पहले लिखा है पी टू ओ फाइव और हीट कर देंगे ठीक है प्रोडक्ट का नाम लिखिए प्रोडक्ट का नाम लिखिए प्रोडक्ट का नाम लिखिए और सेशन को भी लाइक कर दो थर कहां से बन जाएगा सावन कुछ भी अनुष्का पूरा नाम बेटा देवाप्रिया दत्ता बिटू पूरा नाम प्रोपेनोइक और इथेनॉइक में बनवा रही हूं तो वेरी गुड माधव शर्मा इज द फर्स्ट वन टू आंसर इथेनॉइक प्रोपेनॉइक एनहाइड्राइड अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बोलना है इथेनोइक इथेनॉइक एनहाइड्राइड ओके व्हाट हैपेंस विद व्हेन प्रोपेनॉइक एसिड रिएक्ट्स विद एसओसीएल2 ट हैपन्स वेन एनी एसिड रियक्ट विद एसोसियल टू वॉट कैटेगरी कंपाउंड अनुराधा बेटा थोड़ा डिफिकल्ट अभी क्योंकि रिड्यूस्ड हो चुका है ना शाप बाश अनुष्का ने सबसे पहले आंसर दिया है एसाइल क्लोराइड वेरी नाइस एंड उसके बाद आप मेरे को बताइए कि एसिड रिएक्ट विद अमोनिया टू फॉर्म Acids react with ammonia to form Amay, Satya, Saksena girl, Prachi jha, Madhav Sharma Aditya. आस्था छवि वेरी गुड अमाइड शाबाश अच्छा अब आप मेरे को बताइए कि अगर आपको प्रोपेनोइक एसिड बनाना है तो ये किसकी डीकार्बोक्सिलेशन से बनेगा प्रोपेनोइक एसिड विल बी फॉर्म फ्रॉम डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ सॉरी प्रोपेन इज फॉर्म बाय डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ प्रोपेनोइक एसिड नहीं प्रोपेन इज फॉर्म बाय डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ सावन उल्टा कर गए बेटा, एक में एक कार्बन आइटम ज्यादा होना चाहिए ब्यूटेनोइक एसिड शार्पवाश तो मेरे ख्याल से आपको आ गया है एंड राइट द नेम ऑफ द रियक्शन जिसमें आप एल्फा हेलोजिनेशन करवाते हो राइट द नेम ऑफ द रियक्शन जिसमें आप एल्फा हेलोजिनेशन करवाते हो

फॉर्म टू फोर डीएनपी रेजेंट रिड्यूस टू फोर डीएनपी कार्बोन है टॉलन को भी रिड्यूस करता है एल डिहाइड है एंड अंडर गो कैनिजर ऑन बीग्रेस ऑक्सीडेशन हाँ मैं करवा देती हूँ मैं करवा देती हूँ बेटा सॉल्व फोर नहीं बनेंगे टू बनेंगे क्योंकि ये बेन्सल डिहाइड है देखो शायद थोड़ा सा ब्लड दिख रहा है बेंजल डिहाइड है बेंजल डिहाइड के अंदर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते तो जब एक के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं और दूसरे के पास अल्फा हाइड्रोजन है तो दो प्रोडक्ट्स बनते हैं कंडेंसेशन को वापस से देखो मैंने बहुत अच्छे से ट्रिक्स वगैरह बताने की कोशिश की आई होप आपको समझ में आएंगी अब एक क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ जो सावन बता रहा है और पिछली क्लास का होमवर्क था तो स्लाइड नहीं लगाई है तो मैं आप ही मदद से बना करा रही सेन है ठीक है C9H10 है वो कह रहा है कि ये वाला जो कंपाउंड है जैसा कि मैंने सावन का मैसेज पढ़ा वो कह रहा है कि ये वाला जो कंपाउंड है ये टू फोर डीएनपी टेस्ट देता है तो देखो इसमें ना आपको ऐसे क्वेश्चन में क्या करनी होती है हिंट्स लिखनी होती है सी नाइन एच टेन ओ है ना कुछ तो क्या था फॉर्मूला सी नाइन एच टेन आई थिंक सी नाइन एच टेन ओ है ना तो ऐसे कंपाउंड्स में अगर कार्बन हाइड्रोजन रेशियो इतना क्लोज है तो सबसे पहली हिंट होती है कि ये एरोमेटिक होगा सबसे पहली हिंट है कि ये ये एरोमेटिक होगा दूसरी हिंट ये है कि अगर वो आपको डीएनपी टेस्ट क्या दे रहा है पॉजिटिव दे रहा है टू फोर डीएनपी टेस्ट जो है वो पॉजिटिव दे रहा है तो ये कार्बोनिल कंपाउंड है तीसरा हिंट आपके क्वेश्चन में जो मैंने अभी पढ़ा अभी जो मैंने चैट बॉक्स में पढ़ा तीसरा हिंट वो ये है कि कि ये टेस्ट दे रहा है, 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 इसका मतलब है? है। है। मतलब कौन सा और चौथी चीज मैंने पढ़ी कैनिजेरो देता इसके पास अल्फा नहीं हाइड्रोजन अब ये सब हिंट्स के थ्रू आप स्ट्रक्चर कैसे डिराइव कर सकते हैं एरोमेटिक है तो है। आपके छह कार्बन आइटम कवर हो गए बेंजीन में आपके कवर हो गए, टोटल है नो ठीक है अब छह आपके कवर हो चुके हैं आपको एक एल्डिहाइड बनाना है।, ऐसा होना है, जिसके पास में अल्फा नहीं है वो होता है हो सात कार्बन कवर ठीक हाइड्रोजन नहीं होता है बाकी टेस्ट वगैरह वो देता है ठीक है फिर आपको बोल रहा है कि जब इसकी विग्रस ऑक्सीडेशन करते हैं तो वन टू प्रोडक्ट मिलता है अब आपके पास सात कार्बन तो ठिकाने लगा दिया आपने टोटल नौ मतलब दो कार्बन का लोचा है तो वो दो कार्बन क्या है इथाइल ग्रुप के फॉर्म में ही तो रहेंगे बेंजीन रिंग पे पर इथाइल ग्रुप की पोजीशन क्या होगी जब आप वीकनेस ऑक्सीडेशन करने से आपको टू प्रोडक्ट मिल रहा है मतलब इथाइल ग्रुप की पोजिशन क्या है सेकंड यानी कि टू इथाइल इज द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन हाँ बेटा कुछ प्रॉब्लम हो गई है पीडीएफ एक्सेस नहीं हो रहा है आई नो बेटा आई एम ऑलरेडी टॉकिंग टू दीम एंड वन मोर थिंग कल सरफेस के मिस्ट्री का वन शॉट है जेई चैनल पे सारे आ जाना क्योंकि मैं डेढ़ से पौने दो घंटे में आपको सरफेस केमिस्ट्री रिवाइज कराऊंगी कल ट्यूसडे को वेन्सडे मॉर्निंग जेई जेई गोल पे पे ही स्पेशल क्लास के अंदर आपको मैं क्या करवाने वाली वाली लेवल लेवल ले जाने कल कल टर्म का का लेंगे वन शॉट सरफेस परसों मॉर्निंग दस से साढ़े ग्यारह हम जेई लेवल अचीव करेंगे और फिर फ्राइडे को शाम को हम सर्फेस केमिस्ट्री पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे वहीं पे तो ये साढ़े घंटे का मैंने सेट किया है सर्फेस केमिस्ट्री वन एंड हाफ आवर वन एंड हाफ आवर वन एंड हाफ आवर कल की क्लास कहां होगी अन अकेडमी जेई चैनल पे सारे बच्चे आ जाना कल भी मिल रहे हैं अपन सिर्फ आप ये मत सोचो कि जहां मैं जाऊं वहां आऊं आओ क्योंकि क्यों 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 मैं आप ही के लिए आ रही हूं ठीक है तो कल सरफेस केमिस्ट्री टर्म टू के लिए पढ़ाऊंगी परसों मॉर्निंग में जेई नीट लेवल तक पढ़ाऊंगी एंड फ्राइडे को इवनिंग में हम टर्म टू का आंसर प्रेजेंटेशन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सैंपल पेपर में सरफेस का क्या क्वेश्चन है हम वो कर सकते नहीं कर सकते वो हम लेंगे ठीक है तो आपको ये तीनों दिन मेरे साथ बने रहना है क्योंकि इन तीन दिनों में इस तीन पैकेट में मैं आपको टर्म टू एज वेल एज जे एज वेल एज नीट के हिसाब से एक चैप्टर कंप्लीट प्रिपेयर करवा दूंगी ठीक है ये चैप्टर आज खत्म हो चुका है एंड इसका अब नेक्स्ट सीक्वेंस है अमीं जो कब कहां होगा अपने ही चैनल पे होगा डोंट वरी तो अब हम थोड़ा ज्यादा मिलने वाले हैं क्योंकि हमारा जो फेब्री मंथ है वो हमारे लिए क्रिटिकल हमें कोर्स अच्छे से कवर करना है ठीक है तो आप मेरे साथ बने रहिए टाइम इज सेवन थर्टी टू नाइन टाइम फिक्स है सेवन थर्टी टू नाइन है अनकाडमी जेई चैनल पे ठीक है सेवन थर्टी टू नाइन ओके टर्म टू वालों को कल आना है सक्सेना कल ये इन तीन दिनों में हम सरफेस का एक नया लेवल अचीव करेंगे ट्यूजडे को अन अकेडमी जेई चैनल पे मैं टाइम है सेवन थर्टी ठीक है वेंसडे को मॉर्निंग में दस बजे मॉर्निंग में दस बजे जेई गोल में हम जेई लेवल सरफेस केमिस्ट्री पढ़ेंगे मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की क्विज रखेंगे साथ में फास्ट ट्रैक फास्ट ट्रैक छोटे छोटे जो एक्स्ट्रा पॉइंट है जो जेई या नीट के बच्चे पढ़ना चाह रहे हैं सर्फेस को वो पढ़ेंगे हम फिर फ्राइडे को सेवन थर्टी पे टर्म टू के हिसाब से हम आंसर प्रेजेंटेशन सीखेंगे और अगर यहां कुछ रह जाता है तो वो भी हम यहां तो ये आपका टर्म टू का है ट्यूसडे एंड फ्राइडे और वेंसडे आपका जेई नीट प्लस टेस्ट है क्विज भी ले रहे हैं ना तो ये पूरा पैकेट आपका क्या है सरफेस केमिस्ट्री का पैकेट है ठीक है तो इस वीक हम सरफेस केमिस्ट्री रिवाइज कर लेंगे नेक्स्ट वीक अगला चैप्टर हर वीक पे एक चैप्टर इस तरीके से आपका होने वाला है तो इज इट अमेजिंग हर वीक और इस चैनल पे अलग हो रहा है इस चैनल पे तो हमारा चल ही रहा है ऑर्गेनिक कंटिन्यू करेंगे हम ठीक है तो अब हम रोज मिलने वाले हैं ऑल राइट आगे बढ़ते हैं ये अब आप होमवर्क में कीजिएगा एंड लेट्स वाइंड अप द क्लास नाउ दिस इज योर टाइम टेबल इसको नोट कर लो आपको समझ में आए जैसा टाइम टेबल है बिल्कुल ये देखो वेंसडे को सुबह दस बजे ठीक है और ट्यूसडे को साढ़े सात बजे और फ्राइडे को साढ़े सात बजे पे और मंडे एंड थर्सडे को यहां पे मतलब आपके पांचों दिन क्लासेस डेढ़ डेढ़ घंटे की सवा सवा डेढ़ डेढ़ घंटे की तो हम अब ज्यादा मिलने वाले हैं क्योंकि टर्म टू आ रहे हैं ना अच्छे से तैयारी करनी है फोड़नी है मचाना है तो जस्ट बी प्रेजेंट एवरीवन है ना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा अनाबिया इनऑर्गेनिक में बहुत जल्दी स्टार्ट कर दूंगी बेटा डोंट वरी अब जब हमें आ, एक महीने में सब कुछ करना ही है तो इनऑर्गेनिक का नंबर भी आएगा ऑर्गेनिक भी खत्म होगी फिजिकल भी होगी सब चीजें होंगी मैं लगी हुई हूं तुम लोगों के लिए बस तुम आते रहना जहां जहां मैं जा रही हूं ठीक है चलो एनीवेज आगे बढ़ते हैं मेहनत जरूर करनी है हर जिस सवाल के लिए आप स्ट्रगल करोगे ना हर वो सवाल आगे जाके आपकी स्ट्रेंथ बनेगा हर जिस सवाल में माथा पच्ची करोगे ना जिस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए माथा पच्ची करोगे वो कॉन्सेप्ट वो सवाल आगे जाके आपकी स्ट्रेंथ बनेगा ना जाने कौन सा कॉन्सेप्ट कहाँ कहाँ आ जाए मेहनत करना मत छोड़ना बच्चों ठीक है आपकी आज की मेहनत आपके फ्यूचर में हंड्रेड परसेंट रिफ्लेक्ट होगी ये मुझे पता है और खुद पे भरोसा करना कभी मत छोड़ना और बिल्कुल भी मत छोड़ना आधे से ज्यादा बच्चों को ये लगता है खुद को देखकर कि मैं ही एक निकम्मा हूं बाकी तो सब बहुत बढ़िया है अपने मन में नहीं हारना मन के हारे हार है मन के जीते जीत तो मन में जीतना बहुत जरूरी पहले खुद पे भरोसा करना सीखो मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि हर बच्चा जब ऑर्गेनिक पढ़ते हो कहता है कहता कि मेरे से नहीं होते कन्वर्जन बाकियों से हो जाते हैं फिजिकल मेरे से न्यूमेरिकल नहीं होते मैं न्यूमेरिकल में भी को बाकियों से हो जाते हैं अपने अंदर ये कंपेरिजन निकाल दो सब यहाँ एक ही लेवल पे ठीक है ऊपर वही उठेगा जो बाकियों से अलग होगा और जो खुद पे भरोसा करता हुआ चलेगा तो नंबर वन चीज अपने आप पे भरोसा करना सीखो जिस दिन तुमने वो आर्ट सीख लिया ना कि हाँ मैं हूं मैं बाकियों बेहतर हूं मैं सबसे बेहतर हूं उस दिन आप आधी जंग तो जीत गए उसके बाद तो आपको सिर्फ लगना है और भरोसे के साथ और कॉन्फिडेंस के साथ पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना ठीक है थीके? हम बहुत अच्छा करेंगे और हम जरूर करेंगे हमें कोई नहीं रोक सकता टर्म में मचा देंगे सेकंड इनिंग्स बहुत अच्छी खेलेंगे जिसके लिए फेब्रवरी का पूरा प्लान बना चुकी हूं मैं ठीक है सो आज कल फीचर पे आप जितने मर्जी डाउट पूछ सकते हैं जब चाहे सब्सक्रिप्शन लेकर अगर आप आते हैं तो डेफिनेटली आपकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा होती है जैसे अभी एल डी की टोन्स को जो हमने कवर किया है वन से अधिक क्वेश्चन तो हम क्लास में ही कर चुके हैं इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज एंड इन द फॉर्म ऑफ वर्कशीट क्वेश्चन बहुत डीपीपीज तो एक लेवल ऑफ प्रैक्टिस बहुत डिफरेंट है एंड लेवल ऑफ कनेक्शन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट भी बहुत डिफरेंट है तो आप

ट्रिक्स बना लेते हैं बच्चे क्लास में इस लेवल का कनेक्शन हमारे प्लस के बच्चों के साथ होता है तो डेफिनेटली अगर आप ले सकते हैं तो जरूर जरूर ले और नहीं ले सकते हैं तो मैं आपका साथ नहीं छोड़ने वाली हूं ये बात ये मेरा प्रॉमिस है ठीक है कॉम्बैट होता है एवरी संडे एम बी लाइव कोड यूज करके आप डेफिनेटली एनरोल करें एंड स्कॉलरशिप पूल में से स्कॉलरशिप जीते क्योंकि ये ओनली तरीका है कि अगर आपको अन प्लस पे फ्री सब्सक्रिप्शन लेना है तो कॉम्बैट इज द ओनली जरिया जिसमें आप या तो फ्री में आ जाएंगे या फिर बहुत ज्यादा डिस्काउंट लेकर आ जाएंगे ठीक है उसके अलावा प्रोडिजी टेस्ट जो कि ऑनलाइन इंडिया बिगेस्ट टेस्ट साबित हो चुका है लाखों बच्चे इसको दे रहे हैं आप जरूर दीजिए कॉलेज की ग्रांट आपको अन प्रोवाइड करेगा अगर आप डिजर्विंग है तो पर डिजर्विंग होने या के लिए अपने आपको प्रूव करना पड़ता है और प्रूव करने के लिए टेस्ट देना पड़ेगा एनरोलमेंट कोड है एम बी लाइव ये आपका शेड्यूल है एक टेस्ट हो चुका है तीन टेस्ट आपके रिमेनिंग है जरूर दीजिए एंड यू ऑल्सो हैव अपॉर्चुनिटी टू विन सेवरल एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स एंड बच्चों मेरा uh, अभी ये वाला कोर्स खत्म हो गया तो प्लस पे मेरा नया कोर्स लॉन्च होने वाला है फर्स्ट ऑफ फेबर से तो अगर आप अपनी पढ़ाई की जर्नी को प्लस प्लेटफॉर्म पे मेरे साथ आगे बढ़ाना चाहें तो फर्स्ट फेब्रवरी से पहले सब्सक्रिप्शन ले लो क्योंकि फर्स्ट फेब्रवरी से नया कोर्स लॉन्च होने वाला है ठीक है एंड ये कुछ और बैचेस हैं जो आप देख सकते हैं और रिपब्लिक डे स्पेशल ऑफर आया है कि अगर आप एक साल से अधिक एक साल या उससे अधिक का सब्सक्रिप्शन लेते हैं अपने जूनियर्स को बता देना तो छह महीने का एक्सटेंशन मिल रहा है सिर्फ तीन दिन आज रात को बारह बजे से ऑफर चालू हो जाएगा कितना जबरदस्त ऑफर हुआ थर्टी थ्री परसेंट एक्स्ट्रा यानी कि आप बेसिकली एक साल के चार्जेस में डेढ़ साल का सब्सक्रिप्शन ले रहे हो एम बी लाइफ कोड यूज करने पर टेन डिस्काउंट और है तो इट्स अमेजिंग आई थिंक नाउ यू शुड नॉट मिस इट मतलब आप जरूर बताएं एंड अगर आप आइडियली ट्वेल्थ क्लास का बच्चा जो है वो कितने मंथ का सब्सक्रिप्शन ले सिक्स या थ्री मंथस का सब्सक्रिप्शन उसके लिए

दीज आर फ्यू ऑफर्स यू कैन जस्ट है लुक एंडियो को शेयर कर देना चलो बाय बाय चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना डीएफ ब्लॉक में करवा दूंगी डोंट वरी बेटा सब करवाऊंगी ना मैं डीएफ ब्लॉग ही क्यों करवाऊंगी चलो बाय छवि बाय मोहन बाय सचिन बाय स्टाइलिश राजपूत बाय राज मैं किस लेवल पे पढ़ाती हूं वो मेरे स्टूडेंट्स पे डिपेंड करता है मैं किस लेवल पे पढ़ी हूं आई हैव बीन अमंग द टॉप थर्टी कैंडिडेट्स ऑल ओवर इंडिया हु क्वालिफाइड नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर लेक्चरशिप एंड आई डिड माय पीएचडी एब्सोल्युटली अंडर द स्कॉलरशिप ऑफ इंडियन गवर्नमेंट सो मैं क्या पढ़ाती हूं वो बच्चे पे डिपेंड करता है कि डिमांड क्या है मैं क्या पढ़ी हूं वो अलग चीज है चलो बाय बाय 바이바이, 츄용.